आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो है माइग्रेन। काफी अलग अलग प्रकार के हेडेक्स होते हैं, तो माइग्रेन जो है ये मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में ज्यादा दिखता है। 7 में से 1 इंसान को माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है। ये हेरिडिटी भी होता है, घर में अगर चाचा, पिताजी, मम्मी, अंकल, आंटी, मामा जी या भाई बहनों में अगर हो, तो आगे के नेक्स्ट जनरेशन में या वही जनरेशन में किसी और को भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो माइग्रेन के एक्चुअली लक्षण क्या होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है हेडेक, आधा सर दर्द करना, इधर का आधा, राइट का या लेफ्ट का, कोई भी आधा साइड दर्द करना, ये टिपिकल होता है। इसमें एक ही साइड में कंटिन्यूअस हरदम अटैक्स आते हैं, तब एक ही साइड में दर्द हो ऐसा नहीं होता है। अगर है तो वो माइग्रेन ही होगा, ऐसा नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। उसमें सीवियर हेडेक होता है माइग्रेन में, और पूरा टाइम दर्द की वजह से तकलीफ होती रहती है। ये एपिसोडिक होता है, यानी एपिसोड्स में आता है, एक बार चला गया, फिर कुछ दिन अच्छा रहेगा, फिर वापस आ जाएगा। ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक भी चल सकता है, जैसे 2-3 घंटे से लेके 2-3 दिन या 5 दिन भी चलता है। तो ऐसा ये ड्यूरेशन इसका वैरी होता है। उसके साथ साथ वॉमिटिंग होना या फिर जी मचलाना, ऐसा लगता पूरे टाइम कि अभी नौशिया और वॉमिटिंग होगा, लेकिन काफी लोगों में होता भी नहीं है, लेकिन उसकी तकलीफ होती रहती है। लाइट इनटॉलरेंस होता है, यानी ज्यादा रोशनी सहन नहीं होती है, ऐसा लगता है शांत पड़े रहो, आंखों पे पट्टी डाल के पड़े रहो, कुछ आजू बाजू रोशनी नहीं होना चाहिए, कुछ ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लाइट बंद करके सोते हैं। उसके साथ साथ आवाज भी उनको ज्यादा सहन नहीं होती है, थोड़ा सा भी आवाज हुआ तो सर पकड़ लेते हैं, शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, लाउडस्पीकर आजू बाजू अच्छा नहीं लगता, खुद बात तक करना वो कम से कम बात करते हैं। इसके साथ साथ वो काम पे भी उसका काफी असर पड़ता है, क्योंकि वो काम भी उतने जोश से उतने इससे कर नहीं पाते हैं। तो ये थी माइग्रेन के लक्षणों के बारे में जानकारी। इसके साथ साथ माइग्रेन विद ऑरा भी होता है, यानी माइग्रेन होने के पहले उनको ऐसा लगता है कि अभी अटैक आने वाला है, और उनके आंखों के सामने लहरें दौड़ती है या फिर ऐसे सर्कल्स आते हैं, लाइट डार्क, ब्लू लाइट, डार्क लाइट ऐसा होता है। तो ये ऑरा भी काफी लोगों में मिलता है। अब इसके जो है ये कुछ ट्रिगर्स भी होते हैं, जैसे कि ट्रिगर्स में ऐसा होता है कि जैसे ज्यादा धूप में जाना तो उससे सरदर्द शुरू होता है, या वेदर चेंज यानी धूप ज्यादा है या बारिश ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रेस अगर लिया तो उससे भी सरदर्द होता है, खाने का टाइम अगर चेंज हुआ तो उससे सरदर्द होता है, एग्जर्शन अगर हुआ तो भी सरदर्द होता है, ज्यादा खाना खाया या कम खाना खाया तो भी सरदर्द शुरू होने का चांस होता है, नींद अगर पूरी नहीं हुई है या नींद ज्यादा हुई है तो भी वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होता है, अगर ज्यादा सामान हाथ में ले लिया या घर में कुछ ज्यादा काम कर लिया तो वो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कॉफी लिया, चाय लिया या कोल्ड ड्रिंक्स ली तो वो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इसके इन्वेस्टिगेशंस के अगर बारे में बात करें तो जनरली अगर क्लियर कट डायग्नोसिस है, यानी क्लियर कट अगर निदान हो रहा है, तो हमें उसके इन्वेस्टिगेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमको डाउट है तो हम सीटी स्कैन, एमआरआई, ये इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एपिसोड्स में आता है, एपिसोड्स जो होते हैं काफी लोगों में बहुत स्पेस्ड होते हैं, यानी दूर दूर होते हैं, काफी काफी दिनों तक, महीनों तक आते भी नहीं है, किसी किसी को तो साल साल, डेढ़ साल भी एक एपिसोड आने के बाद आता नहीं है। तो मेडिसिन में पेन किलर किसी किसी को अगर दे दिया तो वो टाइम के लिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर किसी किसी को दिन दिन तक ये प्रॉब्लम चल रहा है या महीनों में अगर 4 से 5 बार अगर ये हो रहा है तो उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके ही करना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे हम देखते हैं कि इसमें उनका डेली रूटीन भी अफेक्ट होता है, तो अगर ये महीने में 4-5 बार अटैक्स आ रहे हैं तो उन्हें तो पूरा टाइम सोकर ही रहना पड़ेगा, इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। ट्रीटमेंट
6 से 7-8 महीनों तक चलता है और अगर प्रॉपरली तो उसके वापस होने के चांसेस मिनिमाइज हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि पूरी तरह वो बंद हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं, लेकिन हाँ इससे हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं कि ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी माइग्रेन के बारे में जानकारी। मेरे वीडियोस के द्वारा मेरा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी पहुंचे और जिनको जरूरत है उनको सहायता मिले। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, वो भी अपने जीवन में अगर जरूरत है तो वो भी लाभ उठा सके।